सर दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 28। आज हम पढ़ेंगे आपका मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1628 में राज सिंहासन पर बैठा और इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका बचपन का नाम खुर्रम था, शहजादा खुर्रम, ठीक है, यही, ठीक है। खुर्रम था, यह जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था, ठीक है, यह जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था आपका, ठीक है। तो शाहजहां अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1628 में राज सिंहासन में बैठा, उसके बचपन का नाम खुर्रम था, यह जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था। इसका विवाह नूरजहां के भाई, तो इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो खुर्रम का जो विवाह है, शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई, ठीक है, तो आपके जहांगीर का साला आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो शाहजहां या खुर्रम का विवाह नूरजहां के भाई और जहांगीर का साला आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी में उसने स्वच्छा दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे लाल किला या किला मुबारक के नाम से जाना जाता है, और उसने इसी किले में दीवान आम व दीवान खास का निर्माण करवाया। तो शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे लाल किले या किला ये मुबारक के नाम से जाना जाता है, और उसने इसी किले में दीवान आम व दीवान खास का निर्माण करवाया। तख्ते तव रत्नों से जड़ा हुआ सोने का सिंहासन था जिस पर शाहजहां बैठा था, और इसी तख्ते में कोहिनूर नामक कीमती हीरा जड़ा हुआ था। शाहजहां को अपने शासनकाल में सबसे पहले बुंदेलखंड और दक्षिण के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो शाहजहां के अपने शासनकाल में सबसे पहले बुंदेलखंड और दक्षिण के विद्रोह का सामना करना पड़ा। दक्षिण मुगलों के लिए कठिनाइयों का क्षेत्र बना गया। मुगलों ने अंत में अहमदनगर के राज्यों को जीत लिया तथा गोलकुंडा व बीजापुर के राज्यों ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और उसके साथ शांति बनाए रखने के लिए संधि कर ली। शाहजहां ने अपने पुत्र शाहजादा औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया। दक्षिण की समस्याओं को हल कर लेने के बाद शाहजहां का ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर आकर्षित हुआ। उसने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल पर रक्षा में अपनी सेना भेजी। तो शाहजहां ने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल पर रक्षा में अपनी सेनाएं भेजी। शाहजहां ने ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद शाहजहां ने पुनः 3 बार कंधार पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह असफल रहा। पुर्तगाली लोग हुगली को केंद्र बनाकर बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करते थे। मुगल सेनाओं ने उनको हुगली से बाहर निकाल दिया। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा तथा उसके चारों पुत्र सिंहासन प्राप्त करने के लिए परस्पर युद्ध करने लगे। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। उसने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया और इस किले से शाहजहां ताजमहल को देख सकता था तथा अपनी पत्नी मुमताज महल को याद कर सकता था, ठीक है। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के पास दफना दिया गया। शाहजहां के शासनकाल को द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के पुत्र दरासी को शाह शुजा औरंगजेब व मुराद थे, ठीक है। दरासी को शाह शुजा औरंगजेब व मुराद थे। दरासी को एक विद्वान व्यक्ति था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। शाहजहां के बीमार होने के पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गया था। तो शाहजहां के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गया था। 1637-36 में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी।
1636-37 में शाहजहां ने सिद्ना प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी। 1634 ईस्वी में शाहजहां ने यह आदेश दिया कि यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त उसने मुस्लिम लड़की के हिंदू पुरुष से विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया गया, किंतु काशी के रविंद्राचार्य की प्रार्थना पर काशी में उसे हटा दिया गया था। खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर उसने गोबर को निषेध कर दिया। उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दारा ने अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता और वशिष्ठ उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाया था। शाहजहां के काल में सुंदरदास, चिंतामणि तथा कविंद्राचार्य हिंदी के महान विद्वान व कवि थे। संस्कृत का महान कवि जगन्नाथ था, जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। तो दारा ने अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता और वशिष्ठ उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था। शाहजहां के काल में सुंदरदास, चिंतामणि तथा कविंद्राचार्य हिंदी के महान विद्वान व कवि थे। संस्कृत का एक महान कवि जगन्नाथ था, जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध। तो उत्तराधिकार का युद्ध में क्या है, तो बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था आपका जनवरी 1658 में। धर्मत का युद्ध हुआ था आपका अप्रैल 1658 में। सामूरगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में। खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 में और देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 में। तो बहादुरगढ़ का युद्ध सबसे पहले जनवरी 1658 में, उसके बाद धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में, उसके बाद सामूरगढ़ का युद्ध मई 1658 में, खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 में और देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 में। ठीक है, तो खजुआ और देवराय, तो खजुआ का युद्ध 1659 जनवरी में, देवराय की युद्ध अप्रैल 1659 में। ठीक है, बहादुरगढ़ का युद्ध जनवरी 1658, धर्मत अप्रैल 1658, सामूगढ़ मई 1658, खजुआ जनवरी 1659, देवराय अप्रैल 1659। तो बहादुरगढ़ का युद्ध में शामिल पक्ष कौन था, तो शाही सेना आपका मुगल का और शाह शुजा के मध्य हुआ था। ठीक है, धर्मत का युद्ध हुआ था शाही सेना जसवंत सिंह, औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के मध्य। तो शाही सेना जसवंत सिंह मुराद हुआ जो है आपका मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, सामूरगढ़ का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य हुआ था, तो सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य। खजुआ का युद्ध औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य। ठीक है, तो औरंगजेब का युद्ध जो हुआ, सॉरी, खजुआ का युद्ध औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य हुआ था और देवराय का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो बहादुरगढ़ का युद्ध शाही सेना और शाह शुजा के मध्य, धर्मत का युद्ध शाही सेना जसवंत सिंह औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था, सामूरगढ़ का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य, खजुआ का युद्ध औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य, देवराय का युद्ध औरंगजेब व दारा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो बहादुरगढ़ का युद्ध जो है, इसमें जो हारा था वो आपका शाह शुजा हार गया था, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह हार गया था। तो जसवंत सिंह का शाही सेना और जसवंत सिंह हार गया था इसमें, और सामूगढ़ का युद्ध में दारा हार गया था, दारा सिंह को। खजुआ का युद्ध में शाह शुजा हार गया था और देवराय का युद्ध में दारा फिर से हार गया था। ठीक है, तो इन तीनों युद्धों में सामूगढ़, खजुआ और देवराय के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ था। ठीक है, बहादुरगढ़ का युद्ध जनवरी 1658, शामिल पक्ष शाही सेना और शाह शुजा के मध्य, पराजित पक्ष शाह शुजा। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658, शामिल पक्ष शाही सेना जसवंत सिंह औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य, पराजित पक्ष जसवंत सिंह। सामूरगढ़ का युद्ध मई 1658, शामिल पक्ष औरंगजेब व दारा के मध्य, पराजित पक्ष दारा। और जो खजुआ का युद्ध जनवरी 1659, औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य, पराजित पक्ष शुजा। देवराय का युद्ध
1659 अप्रैल और औरंगजेब के बाद दारा के मत और प्राजीत पर दारा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा अच्छा वीडियो और आगे देखते हैं, कल हम पढ़ेंगे आपका औरंगजेब के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।